नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरपुर भागलपुर मुख्य पथ पर डुमरामा एवं सुल्तानपुर मोड़ के समीप वाहनों से लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे एक युवक की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान अमरपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 निवासी मोहम्मद धुनी के पुत्र मोहम्मद इरशाद के रूप में हुई है, जबकि फरार हो रहे एक युवक वार्ड नंबर 5 के विशाल कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिली कुछ अपराधी किस्म के लोग डुमरामा सुल्तानपुर मोड़ के समय वाहनों से लूटपाट कर रहे हैं। सूचना मिलने पर बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रभारी थाना अध्यक्ष राजीव रंजन अन्य पुलिस बलों के साथ डुमरामा सुल्तानपुर मोड़ के समीप छापेमारी अभियान चलाए। पुलिस बलों को देखते ही अपराधी भागने लगे। इसी क्रम में मोहम्मद इरशाद अज्ञात वाहन की चपेट में आकर पूरी तरह से जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए स्थानीय रेफर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल से भाग रहे एक युवक को पुलिस ने खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने दूरभाष पर बताया। गुप्त सूचना पर अमरपुर भागलपुर मुख्य पथ पर एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा छापेमारी किया गया है, जिस दौरान कुछ युवक वाहनों से लूटपाट करते पाए गए। पुलिस वाहनों को देखते ही युवक भागने लगे, जिस क्रम में एक युवक वाहन की चपेट में आ गया और मौके पर ही युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक को हथियार के साथ दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान युवक के पास से कई मोबाइल मिले हैं। युवक ने अपने कुछ और साथियों के नाम बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही लूटकांड में संलिप्त अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। मृतक के सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर जिला स्वास्थ्य समिति के यक्ष्मा बांका की ओर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एके सिन्हा के नेतृत्व में चांदन पंचायत के मुख्य विद्यालय नवाडी अनुसूचित जनजाति में टीवी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम के तहत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में विद्यालय के वर्ग 8 में पढ़ने वाले करीब 50 बच्चों ने भाग लिया। यक्ष्मा के संबंध में बच्चों को जानकारी दिए जाने के बाद यक्ष्मा बीमारी किस रोगाणु से फैलता है, कितने रोगी मरते हैं, इसके प्रकार, जांच की विधि, पूरा नाम व दी जाने वाली दवाओं से संबंधित 10 अंकों की परीक्षा में 25 बच्चों ने भाग लिया। जानकारी देते हुए प्रखंड यक्ष्मा पर्यवेक्षक सुनील कुमार कटोरिया व प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन राघवेंद्र सहाय ने बताया कि 2025 तक पूरे देश से यक्ष्मा के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया इस क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को जिला की टीम द्वारा पारितोषिक दिया जाएगा। साथ ही यक्ष्मा से पीड़ित मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने वाले को 500 तथा दवा खिलाने वाले को 1000 पारितोषिक के रूप में दिया जाएगा। जब तक मरीजों की बीमारी ठीक नहीं हो जाती, 500 रुपये प्रतिमा का भुगतान प्रोत्साहन के रूप में किया जाएगा। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय केशरी, शिक्षिका स्नेहलता कुमारी, रोहित कुमार, मंजू कुमारी व जबन दास मुख्य रूप से मौजूद थे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।